From the law CAA, now the focus has actually shifted to the politics around it. First, we heard what the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and West Bengal Chief Minister Mamta Banerjee had said. In fact, they had mentioned many points regarding why CAA is not for this country and why it's unconstitutional on the other hand home minister amit shah has also launched an all out attack on all the opposition parties naming each one of them them starting from rahul gandhi to mamata banerjee well once again we are in one of the settlement camps in the national capital and this is the majlis park uh, settlement camp of the pakistani refugee who've been staying here for a very long time we are bringing you reports day and day out about how well they are receiving this very notification, what they think about this very notification. They were elated yesterday and today also they have a certain feeling which is said to be anger because I spoke to a number of them and they have said that what political parties are saying uh, is not correct and in fact let's directly straight go to them to get a point of view from them exactly what they make of these statements being put up by uh, Arvind Kejriwal or Mamata Banerjee. सबसे पहले भाऊ आपसे मैं आपका नाम जानना चाहूँगा भागत अच्छा भाऊ एक बात समझाइए मेरे को एक तरफ हुआ सी का कानून जिसके बारे में आप पिछले तीन चार दिनों से सुन रहे हैं न्यूज़ में भी आ रहे हैं यहाँ पे भी आपसे बहुत लोग मिलने आ रहे होंगे दूसरी चीज़ है इस पर कई जो दिल्ली में नेता हैं और हिंदुस्तान में भारत में नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये कानून गलत है क्या आपको लगता है कि इस इन बयानबाजियों से आप लोगों को कोई फर्क पड़ता है हाँ फर्क तो बहुत पड़ता है एक कानून जो केजरीवाल बोल रहे हैं ये गलत बात है क्यों हमें पहले भी भारत के थे अभी भी भारत के हैं और जब भी उनचाली उन्नीस में बंटवारा हुआ था तभी हमारा माँ बाप वहाँ रह गए इसी के लिए हमारा भारत देश है और भारत में रहेंगे और कैसे भी करेंगे हम रहेंगे भारत में परंतु केजरीवाल जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं बंटवारा में नेहरू लाल ने भी वचन करा था कि जो हिंदू लोग हैं बंटवारा हो जाए तभी हिंदू लोग भारत में जा सकते हैं आ सकते हैं ये वचन था परंतु अभी जो ये केजरीवाल कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं इसीलिए हमारी मोदी जी और अमित शाह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो पहले वचन था उन वचन को निभा रहे हैं और मोदी और अमित शाह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं नहीं तो हमारा भारत भी इन इन चोरों गुंडों को हाथों से चला जाएगा अच्छा भाजी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा बहुत छोटी सी चीज़ है आप कितने समय से रह रहे हैं पहले यहाँ पे ये बताइए हमारे को छः साल हो गए आपको छः साल हो गए आपको ये भी पता होगा कि अभी जो लोग नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो जो 2014 के पहले थे वो कर सकते हैं लेकिन आप लोगों ने भी कहा है कि आप लोग भी होपफुल हैं इस चीज़ को लेके कि चीज़ें आप लोगों के लिए भी सही होंगी आज तक आपने यहाँ पे बहुत से लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए आपने किन किन लोगों को यहाँ पे देखा है ग्राउंड पे काम करते हुए आप लोगों के लिए ये तो हिंदू परिषद आते हैं आरएसएस वाले आते हैं वो लोग आते हैं वो बाकी तो और दिल्ली के केजरीवाल के लोग नहीं आते वो आरएसएस वाले भी आते हैं हिंदू परिषद भी आता है मोदी के लोग बहुत आते हैं ये काम ये देखा है बाकी और किसी का काम नहीं देखा है देखा। अच्छा तो कैसा ये जो बोल रहे हैं कि आ, किसी तरह का बर्डन बन जाएंगे किसी तरह का बोझ बनेंगे आप भारत के ऊपर ये सुन के क्या बोलना चाहेंगे आप अरे हमने तो पाकिस्तान में चोरी नहीं की है बाकी इधर आके चोरी क्या करेंगे किसके बोझ क्या हाँ पड़ेंगे हम तो मलबा उठाएंगे और लेबर का काम करेंगे और खाएंगे बस ये कर सकते बाकी और काम नहीं कर सकते हम तो पड़े हुए हैं नहीं बाकी क्या आगे करेंगे क्या को, कोई भी हमने ढाका तो कोई ढाला नहीं है नहीं पाकिस्तान में ढाला है जो चोर मुल्क में रह के आए हैं तो उधर भी चोरी नहीं की है बाकी इधर चोरी क्या करेंगे ये हम तो कर सकते हैं Well, so, this is the word actually coming in from their side. They say that uh, uh, there are many people who have been working here. In fact, uh, early in the morning when I came here to this very place, uh, there were some people who were actually watching the television and on it they were watching what is happening. Uh, when uh, uh, CM Kejriwal, what CM Kejriwal said, what Mamta Banerjee said and what Amit Shah said. And in fact, uh, listening to their answers, one thing is also very clear that they are also well aware about what is happening as per the political discourse also. In fact... Uh, In in this very sitting, in this very very sitting, chopal, it's not just the people uh, from Pakistan. Uh, I have Haryom also with me, who is actually working for a very long time here with the people uh, at this very basti. पाकिस्तान uh, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा आज आप लोगों ने प्रदर्शन भी करा इसके खिलाफ मुख्यमंत्री के आवास के बाहर क्या आपको तकलीफ है उनके बयान से जी ये तो मतलब कहीं पे भी जब ये रात से कल से सुना है तो मतलब लोगों में यहाँ पे इतना रोष था क्योंकि ये दिल्ली के वो यूँ बोलते हैं वो दिल्ली के बेटे हैं दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं तो जब पिछले दस एक साल तो उनको भी हो गए यहाँ पे राज करते हुए तो दस एक साल में उनको क्या मानवता के आधार पे या वो यूँ बोलते हैं दिल्ली के बेटे हैं तो बेटे के आधार पे उनको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे कोई शरणार्थी आरक्ष हैं सिख परिवार है तो कुछ हिंदू परिवार है कि एक बार आप यहाँ पे आके पूछ ले क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं कि ये जीरे हैं ये मर रहे हैं या क्या कर रहे हैं पानी है बिजली है ये सब तक तो अभी तक सुध नहीं ली थी और जैसे ही केंद्र सरकार ने के कानून ला दिया कि चलो जो लंबे समय से रह रहे हैं तो उनको और वो भी जो रह रहे हैं वो सब वीजा पासपोर्ट लेके आए हुए हैं ये उन रोहिंग्याओं की तरह नहीं है या अलग कुछ उनकी तरह नहीं है जो बॉर्डर पार करके तारों के नीचे से आ गए हो और इन्हीं के मंत्री यहाँ का तो विरोध ये खुद कर रहे हैं लेकिन इनके मंत्री जब रोहिंग्या कैंप लगा हुआ था तो रोहिंग्या कैंप में जाके वहाँ पे कूलर दे देते वहाँ पे राशन दे देते वहाँ पे सारी सुविधाएं मुहैया करा देते और बाकायदा मीडिया पोर्टल पे ये नेता और इनके भी सारे सहयोगी ये डाल रहे थे तो इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं तो पता नहीं इनको क्या विरोध हो रहा है जब सरकार ने ला दिया है जो नियम कानून से यहाँ पे लोग रहेंगे ईमानदार लोग हैं वो यहाँ पे रहेंगे और अपनी मेहनत से करके खाएंगे तुमने तो अभी तक कुछ दिया नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दे रहे हैं तो उसका विरोध क्यों कर रहे हो अच्छा हरिओम एक चीज और समझना चाहूंगा वो ये लोग कहते हैं कि मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि आ, 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 आप आपको कितना समय हो गया यहाँ पे रहते हुए मुझे पांच साल हो गए पांच साल हो गए आपको तो वो कहते हैं कि आप लोग जाके सिर्फ बीजेपी को वोट देंगे इस वजह से नागरिकता कानून मिल रहा है इस पे क्या मत है ज्यादातर यहाँ पे लोगों का जी क्या है अब ये तो हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं यहाँ पे तो जो इनके लिए काम करेगा वही करेंगे ना देना केजरीवाल जी यहां पे घर बना के दें या बिजली दें हम तो बोलते हैं केजरीवाल जी को सपोर्ट करेंगे यहां पे बच्चों की पढ़ाई लिखाई है उनके एडमिशन करवाएं यहां महिलाएं प्रेग्नेंट होती है आधार कार्ड नहीं होता हॉस्पिटल वाले लेते नहीं है किसी के पास नौकरी के लिए जाओ वो बोलते हैं आधार कार्ड दिखाओ पहचान पत्र दिखाओ है नहीं नौकरी पर नहीं रखता किसी को बोलो कि यार हमें राशन दे दो तो राशन की दुकान पे हम भी गरीब है बोलते क्यों दे तुम इस देश के नागरिक नहीं हो तो राशन कार्ड लाओ तो ये सब चीज केजरीवाल दे हम तो केजरीवाल जी की भी जय जयकार करेंगे हिंदू धर्म की बात करें हमारे सनातन धर्म को मानने वाले जो यहाँ पे लोग हैं उनके पास आए यहाँ पे खाना खाए यहाँ पे स्थिति देखे तो हम तो उनका भी करेंगे जो हमारे लिए करेगा उसी के लिए तो करेंगे बीजेपी कर रही है मोदी जी कर रहे हैं तो उनका ही तो गुणगान करेंगे तुम करते तो तुम्हारा भी करते अच्छा एक बात जानना चाहूंगा पाकिस्तान में कहा से आप सिंध प्रांत सिंध प्रांत से अच्छा कितना आपने बोला पांच छह साल हो गए यहाँ पे आए जी अच्छा एक चीज़ समझना चाहूँगा कि ये सब सुन के क्या लगता है अभी मैं देख रहा था टीवी पे भी आप देख रहे थे कि क्या बोला मुख्यमंत्री ने और क्या बोला फिर अमित शाह ने इस सब को कैसे देखते हो आप अमित शाह ने तो ठीक बोला बाकी अरविंद केजरीवाल तो अपना जिद नहीं छोड़ रहे जो कल की बात थी आज भी वो बता रहे हैं बाकी अमित शाह जो बोल रहे हैं बढ़िया बोल रहे हैं सो so, well, this is the word which is actually coming in from these people. they say that uh, this, is not, uh, this is not a political thing for them. this is a mere uh, issue which they've been raising for a very long time. and in fact, they say they've been raising this issue. in fact, the government and pa in past also have been raising this very issue of giving refuge to the minorities in the countries. but now since uh, uh, this law has uh, come, in, uh, come out, now there is some sort of a political furor. but these people are also very well aware exactly what is happening with them. and in fact, there is a sense of anger against these uh, uh, politically uh, these political comments but as of now they are quite in a uh, celebratory mood itself because they say that uh, as of now they are quite elated with the entire ruling of the caa